नमस्कार दर्शकों आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में टी विद ओशो और मैं स्वागत करता हूँ स्वामी शुरेंद्र सरस्वती जी का नमस्कार मस्तो बाबा सभी मित्रों को नमस्कार स्वामी जी मैं एक बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि जो चर्चा हम कर रहे हैं डॉक्टर चंद्र प्रसाद जी की प्रश्न पर ओशो ने दस आज्ञाओं का जिक्र किया था और ये भी कहा था कि ये खेल है तो आज हम ये जो दसवीं आज्ञा है आदेश है इस पर चर्चा करेंगे मैं चाहता हूँ आप ही बताइए और ये क्योंकि अंतिम दसवीं आज्ञा है और इस आज्ञा के बारे में भी और इस आज्ञा के भेद के बारे में भी ओशो कहते हैं खोजो मत जो है है रुको और देखो अत्यंत संक्षिप्त सूत्र है सच पूछो तो दसवां नहीं पहला ही इसे होना चाहिए लेकिन अगर पहला रख दें तो फिर आगे कोई बात ही नहीं आएगी बात यहाँ खत्म हो जाती है तो ओषो ने जानबूझकर अंतिम रखा है तो हम शुरुआत का शब्द पहले समझ लें खोजो मत अध्यात्म की खोज वास्तव में खोज नहीं है कहने को हम कहते हैं अंतरयात्रा है ध्यान लेकिन ये गलत शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम यात्रा शब्द से परिचित हैं हम खोज शब्द से परिचित हैं हम कुछ पाने के लिए कुछ होने के लिए कहीं पहुंचने के लिए कुछ करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं संसार में यह बिल्कुल ठीक है ऐसा होना स्वाभाविक है संसार में जब हम आए हमें ना भाषा आती थी ना कोई शिक्षा हमको थी भाषा भी सीखनी पड़ी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी आजीविका उपार्जन के साधन सीखने पड़े कहीं पहुंचना है यात्रा करनी है कहीं जाना है किसी साधन का वाहन का उपयोग करना होगा जिंदगी में हमेशा हमें कुछ पाना है कहीं पहुंचना है कुछ करना है और खाली भी जब बैठे दिख रहे हैं तब हमें सोचना विचारना है या कोई भावना में हम डूबे हुए हैं कोई ना कोई क्रिया निरंतर चल रही है एक खोज मुख्य रूप से अगर समझें चार दिशाएं हैं खोज के धन पद प्रेम ज्ञान दो दो शब्द के छोटे शब्द ये चार मुख्य दिशाएं हैं कोई व्यक्ति धन के पीछे दीवाना है पूरी जिंदगी उसी के लिए वह परिश्रम कर रहा है कोई व्यक्ति प्रेम के पीछे दीवाना है कोई शक्ति के पीछे पद के पीछे दीवाना है और कोई ज्ञान का दीवाना है ये चार प्रकार के मुख्य लगाव हैं जो व्यक्ति की चेतना को निरंतर बाहर खींच रहे हैं तो जैसे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चार दिशाएं हैं जिनमें हम यात्रा कर सकते हैं ऐसे ही ये मनोवैज्ञानिक चार दिशाएं हैं कोई कोई लोग दो दिशाओं में भी दौड़ने की कोशिश करते हैं यद्यपि पागल हो जाते हैं एक दिशा में दौड़ना भी पागलपन ही है दीवानगी ही है कि जो एक से अधिक के प्रयास करेगा वो तो निश्चित ही विक्षिप्त हो जाएगा जिंदगी में यह है जरूरी है तभी हमारी आजीविका चल सकेगी सुरक्षा हो सकेगी संतान उत्पत्ति हो सकेगी मनुष्य की जाति आगे बढ़ सकेगी तो ये सब जरूरी है लेकिन जहाँ अध्यात्म का सवाल पैदा होता है हम यही पुराना पैटर्न वहाँ भी अपनाते हैं हम सोचते हैं कि सत्य को परमात्मा को शांति को आनंद को भी खोजना होगा क्योंकि हम जिंदगी भर के आदि हैं खोजने के परमात्मा भी ऐसा लगता है कोई दूर का लक्ष्य जहाँ हमें पहुँचना है प्राप्त करना है अचीवमेंट क्योंकि हमारी भाषा ही अचीवमेंट की है इन्वेंशन की है खोजबीन की है कोई दूर का लक्ष्य और इससे हमारा अहंकार भी पुष्ट होता है धार्मिक आदमी को लगता है कि मैं कोई साधारण इंसान थोड़ी हूँ मेरा उद्देश्य बहुत पारलौकिक मृत्यु के भी पार मोक्ष स्वर्ग निर्वाण आवागमन से मुक्ति बड़े बड़े शब्द ऐसा व्यक्ति संसार की वो चार दौड़ों दौड़ों को छोड़ भी सकता है एक नई दौड़ उसकी शुरू हो गई जो इन चारों से भी ज्यादा आकर्षक उसे जान पड़ती है वो कहेगा धन में क्या रखा है हरे हाथ का मैल है पद का क्या है आज कुर्सी मिली है कल को छिन जाएगी ये सदा रहने वाली नहीं उसने अपने अहंकार को ऐसी चीज में जोड़ दिया जो सदा सदा शाश्वत उसकी कल्पना में और वो उसको पाने का प्रयास कर रहा है और अक्सर ऐसा होता है इन चारों दिशाओं में दौड़ के इनकी असारता को समझकर धर्म की प्यास उत्पन्न होती है तो अक्सर हम इनके विरोध में पड़ जाते हैं समझो मैंने चारों दिशाओं में कोशिश कर कर के देख ली और सफल भी हो गया कहीं और मैंने फिर भी पाया कि मुझे जीवन में कोई सार्थकता नज़र नहीं आ रही अब सीधा सीधा हमारा मन का तर्क कहता है कि फिर इसका विपरीत कर लो शीर्षासन कर लो जो आदमी धन के पीछे दीवाना था अब ये सोचेगा कि दान ही धर्म है दान के द्वारा मैं परमात्मा को पाल लूँगा जो व्यक्ति प्रेम के पीछे दीवाना था वो सोचेगा अब घर परिवार संबंधों का त्याग करता हूँ सबको कुछ छोड़कर भाग जाऊं। जो व्यक्ति पद के पीछे शक्ति के पीछे दीवाना था दूसरों को सताने में मैनिपुलेट करने में मजा ले रहा था अभी आदमी पलट के शासन करके स्वयं को सताने लगेगा ये हो जाएगा तपस्या ही धर्म है तो कोई कहता है दान धर्म है कोई कहता है त्याग धर्म, धर्म है कोई कहता है तप धर्म है और वो चौथा प्रकार का व्यक्ति ज्ञान की खोज में था अपने स्मृति भंडार को बढ़ाता जा रहा था फिर उसने देखा कि है संतोषदायी नहीं है कोई तृप्ति इससे नहीं मिल रही अब काफी संभावना है यह अपने ज्ञान के खिलाफ अंधविश्वास में पड़ जाए अंधश्रद्धा कोई मूर्तापूर्ण क्रियाकलाप करने लगे धर्म के नाम पर क्योंकि ज्ञान से यह थक चुका है अब यह कुछ अज्ञान पूर्ण हरकत करेगा तो जीवन में जो चार मुख्य दिशाएं हैं दौड़ने की उनसे थक के घबरा के उसकी विफलता को देख के अक्सर हम उसका उल्टा करेंगे और सोचेंगे कि यह धर्म है लेकिन यह भी धर्म नहीं है क्योंकि खोज अभी भी इसमें जारी है मैं एक छोटा सा चुटकुला आपसे कहूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे एक शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा था बच्चों को उसने कहा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था विभिन्न जानवरों के बारे में तो आज मैं सवाल पूछूंगा बताओ हाथी कहाँ पाए जाते हैं सामने की बेंच पर मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू बैठा था वो जोर जोर से हंसने लगा शिक्षक को क्रोध आ गया उसने कहा हंसने की क्या बात है मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो मैं कोई चुटकुला नहीं सुनाया कि आप हंस रहे हो फजलू उनका सर हंसी इस बात पे आ रही है आपने कहा है कि हाथी कहाँ पाए जाते हैं इतना बड़ा जानवर वो खोएगा कहाँ पाने का सवाल कहाँ उठता है फजलू ने एक पते की बात कह दी हम जिस विराट सत्य की बात करते हैं परमात्मा की जो सर्वव्यापी है हर जगह मौजूद है कण कण में व्याप्त है पहली बात ये कि खोया कहाँ पाने का सवाल तो तब उठे ना जब वो हो जाए जब हाथ ही नहीं खो सकता उस छोटे बच्चे के हिसाब से तो परमात्मा कहाँ खोएगा वो तो मौजूद ही है जो मौजूद है सदा सदा उपस्थित है उसका नाम परम सत्य है परमात्मा है तो खोजने की हमारी जो वृत्ति संसार में बन गई और जहाँ की वो जरूरी थी उपयोगी थी उसी वृत्ति के साथ हम अध्यात्मिकी दिशा में चले जाते हैं और एक भ्रांति में पड़ जाते हैं हम कोई ऐसी चीज़ खोजने लगे जो कि मौजूद है अलरेडी और चूंकि हमारा बेसिक पॉइंट ही गलत हो गया इसलिए हम भटकेंगे 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 हम किसी भी प्रकार के धार्मिक क्रियाकांड करते रहें हम उस परम सत्य को कभी नहीं जान सकेंगे मैं आपसे एक चीज़ इसमें पूछना चाहूँगा क्योंकि ये शब्द आपने समझाया बहुत सरल तो है लेकिन एक ये भ्रांति भी पैदा कर सकता है क्योंकि जो आदमी जहाँ है पूजा पाठ में लगा है या क्रियाकांड में लगा है जैसा आप कह रहे हैं तो उस पूजा पाठ क्रियाकांड से कोई एक कदम तो उसे आगे उठाना होगा अगर उसे इस क्रियाकांड से मुक्त होना है या सत्य जिसकी आप बात कर रहे हैं तो इसका पर्याय शब्द क्या देना चाहेंगे आप जिसमें खोजना भी ना हो लेकिन कुछ करना जो जो भी किया जा सकता है क्योंकि इस शब्द से कहीं लोग ऐसी भ्रांति में न पड़ जाएंगे कुछ करना ही नहीं है नहीं सचमुच में मैं यही कहना चाह रहा हूं कुछ नहीं करना है जहां तक करने का सवाल है वहां हम होने पे नहीं पहुँच सकते तो एक है डूइंग थिंकिंग फीलिंग और एक ए बीइंग बीइंग में आने के लिए वो तीन चीजों में से कुछ भी जरूरी नहीं है इसलिए ना कर्मयोग डूइंग ना ज्ञान योग थिंकिंग और ना भक्ति योग फीलिंग ये यो कोई भी उस तक नहीं ला सकते ये हमें भटकाएंगे हाँ आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि जो भटक रहे हैं उनको भटकना ही होगा और भटकें और भटकें जैसे संसार की चार दिशाओं से एक दिन घबरा गए समझ में आ गई बात की ये कहीं ले नहीं जाती छितिज के समान है उससे भी ज़्यादा छितिज जैसी भ्रामक और स्वप्नवत वो चार दिशाएं हैं जिनको हम धर्म की दिशाएं कह रहे हैं वो चाहे दान हो त्याग हो तपस्या हो या भक्ति के क्रियाकांड हो, अंधविश्वास हो वो भी हमें उसी प्रकार भटका रहे हैं बल्कि संसार में तो उपयोगी था एक व्यक्ति ज्ञान की खोज कर रहा है हो सकता है वह बड़ा वैज्ञानिक बन जाए और कुछ उपयोगी आविष्कार करे तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग है जो व्यक्ति भीतर ज्ञान की तलाश में लगा है और शास्त्र ग्रंथों को कंठस्थ करने लगा है स्मृति को भरता जा रहा है ये तो बुरी तरह भटक गया इससे कुछ भी उपयोगी हासिल नहीं होगा इसलिए आप फर्क देखते हैं आज से 300-400 साल पहले फिलासफी एक विषय था फिर धीरे धीरे विज्ञान डेविएट हो गया आज भी कोई व्यक्ति फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और फिर डॉक्टरेट प्राप्त करता है उपाधि हम उसको वही देते हैं पीएचडी डॉक्टर <laughs> क्योंकि वो परंपरा से चला आ रहा पहले एक ही विषय था फिलासफी धीरे धीरे विज्ञान अलग हुआ कैसे अलग हुआ फिलासफी केवल सोच विचार पर सीमित रह गई और विज्ञान प्रयोग पर चला गया कि हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो कोई ठोस चीज हाथ में आएगी सिर्फ सोच विचार से हम कल्पना में भटक जाते हैं कोई भी यथार्थ हमारे हाथ में नहीं आता तो धीरे 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 फिलासफी अब एक ऐसी चीज हो गई मजाक में कहते हैं कि जैसे अमावस की अंधेरी रात में एक बंद काजल की कोठरी में बिल्कुल डार्क काजल पोता हुआ है वहाँ पर एक काली बिल्ली को खोज रहे हैं जो वहाँ है ही नहीं वो <laughs> फिलासफर वो है जिसको बिल्ली मिल जाती है जो वहां है ही नहीं सब कोरी बकवास कल्पनाएं हैं तो फिलासफी में उलझ जाते हैं धार्मिक लोग वे जिसको शास्त्र कहते हैं ग्रंथ कहते हैं धर्म के सिद्धांत कहते हैं तो विज्ञान तो फिर भी वैल्यूबल है उपयोगी है ये फिलासफी का ज्ञान किसी भी काम का नहीं है इससे सिर्फ दिमाग ही खराब होगा और कुछ भी नहीं होगा हाथ में कुछ भी कभी नहीं आएगा काली बिल्ली वहाँ है ही नहीं और ये सज्जन रहे हैं कि हमने ढूंढ ली है तो निश्चित रूप से किसी कल्पना में चले गए तो आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है जो लोग किसी प्रकार की धार्मिक क्रिया में उलझे हैं ओशो तो का संदेश उन्हीं के लिए है कि कृपा करो खोजो मत जो है गॉड इज दैट विच इज हमको इन्वेंट नहीं करना है डिस्कवर नहीं करना है कहीं खोजबीन नहीं करनी है कहीं गुम नहीं गया है जंगल में कि हम ढूंढ लेंगे कहीं मंदिर मस्जिद में छिपा नहीं बैठा है कि वहां हम तलाश लेंगे ना ही जंगल की गुफाओं में ना ही तीर्थ स्थानों में जो है है वो अब भी यहीं है हियर एंड नाउ रुको और देखो तो सूत्र तो यही रहेगा अब इसको समझने में कोई कितनी देर लगा दे जिंदगी गंवा दे चाहे इसी क्षण समझ जाए रुको और देखो और देखो शब्द को भी हम बल्कि रिप्लेस कर सकते हैं जानो से क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से जो जानते हैं क्योंकि आँख हमारी एक प्रमुख इंद्री है इसलिए जानो और देखो पर्यायवाची से हो गए हैं हम कहते किसी से सांस देखो तो अब सांस कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिसको देख सकें फीलिंग उसके पीछे क्या है देखो के पीछे छुपा हुआ है जानो तो जो है है रुको और जानो हमारी स्थिति ऐसी कि हम एक बहुत फास्ट स्पीड से कार चला रहे हैं और हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं जो कि स्थिर है तो हम उसको कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे सिर्फ वही चीज चूक जाएगी जो स्थिर है क्योंकि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हमारा मन तीव्र गति कर रहा है और इसलिए जो स्थिर तत्व हमारे भीतर है चैतन्य आनंद शांति आत्मा परमात्मा हम उससे चूक जा रहे हैं और गति हमेशा दूर होगी पास नहीं हो सकते, क्योंकि पास होने का मतलब जो मैं ऑलरेडी हूं तो हम गति का तो कोई सवाल नहीं वह तो अगति की दशा है नो मूवमेंट पतंजलि जिसे आसन कहते हैं उसका मतलब होता है स्थिर सुखद अवस्था स्थिर महर्षि पतंजलि के शब्द से मिलता जुलता शब्द भगवान कृष्ण ने यूज किया है स्थित प्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है अब कोई कंपन नहीं है डमाडोल नहीं होती कहीं जा नहीं रही ऐसा दीपक जो कमरे में जल रहा है खिड़की दरवाजे से कोई हवा के झोंके नहीं आ रहे सब स्थिर हो गया तो वो जो ओशो कह रहे हैं खोजो मत रुको देखो जानो वही बात स्थित शब्द में भी समाई हुई है वही बात आशन शब्द में भी समाई हुई है जस्ट स्टॉप गुरुजेफ पिछली सदी में एक महान संत हुए सोवियत रूस में वे स्टॉप मेडिटेशन कराते थे रुको ओशो ने भी उसको बहुत महत्व दिया है जापान के जैन फकीर कहते हैं सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कृपा करके कुछ ना करो तो रुको और जानो देखो की जगह जानो और अच्छा रहेगा क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि आंखों की कोई एक्टिविटी जारी रहेगी नहीं वो भी नहीं तुम रुक जाओ कोई गति नहीं और उस अगतिमान स्थिति में स्वयं को जानने के अतिरिक्त और कुछ बचा ही नहीं जो एक देशना है लिव हेयर एंड नाउ लिव मोमेंट टू मोमेंट ये सब इसी और इशारा कर रहे हैं बिल्कुल इसी और इशारा कर रहे हैं इसी का एक्सटेंशन समझ लें उनको तो पहले हमने विस्तार से उसकी बात की है अगर हम हियर एंड नाउ में आ गए इस मोमेंट में आ गए तो भी हम स्वयं में आ गए अपने पर आ गए क्योंकि हमारा होना तो जिसको मैं कह रहा हूँ ना होना बींग ना तो उसमें कोई करना है ना कोई सोचना विचारना है ना कोई भावनाओं में डोलना है होना तो ऑलरेडी है जब हम जन्मे थे निश्चित रूप से हमारे भीतर कोई भावना भी नहीं थी कोई सोचना विचारना नहीं था शब्द भी नहीं थे फिजिकल एक्टिविटीज भी हमको नहीं होती थी हम 24 घंटे में से 20-22 घंटे सोए ही रहते थे लेकिन होना था चेतना थी संवेदना थी ज्ञान नहीं था कर्म नहीं था कोई भाव नहीं थे धर्म के बारे में कुछ नहीं पता था संसार के बारे में भी कुछ नहीं पता था लेकिन स्वयं का होना तो था अपने होने का एहसास था माँ के गर्भ में नौ दस महीने रहे सिर्फ अपने का होने का एहसास था और परम शांति और परमानंद को हमने जाना फिर जन्म के पश्चात धीरे धीरे हमारी गतिविधियाँ बढ़ती चली गई क्योंकि भूख लगती है प्यास लगती है कपड़े गंदे हो गए बीमार हैं कुछ फिर खेल खिलौने हैं दोस्त हैं फिर स्कूल है फिर दुनिया का पूरा विस्तार है संसार में क्रमशः उलसते गए उलसते गए उलसते गए, गए। क्रियाकलापों में फंस गए फिर एक दिन हमें अचानक याद आता है कि हमने कभी कुछ ऐसी बात जानी है जो कि कुछ अलौकिक थी वो गहरे बचपन की स्मृति है शायद गर्भकाल में हमने जो जाना वो सब कुछ थमा हुआ ठहरा हुआ था स्वयं के होने का एहसास अस्तित्व से अलग भी नहीं था बच्चा माँ के माध्यम से संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ा हुआ था एक आइडेंटिटी नहीं थी उसकी कि मैं हूं मैं भाव वहां नहीं था होना था लेकिन मैं भाव नहीं था और इसलिए परम विश्राम परमानंद सच्चिदानंद का अनुभव था फिर जब हम जिंदगी के सारे तनावों और दुखों में फंस जाते हैं कहीं वो स्मृति हमें कचोटती है और उसकी खोज से ही फिर अध्यात्म की खोज शुरू होती है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि गर्भ के समय में छोटे बच्चे ने जो जाना है अध्यात्म उसी की खोज है उसी की तलाश है लेकिन हमारी तलाश भटक कहां जाती है हम सोचते हैं संसार में हमने कुछ कर करके पाया सोच विचार के बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क से पाया भाव से पाया तो इसी प्रकार उसको भी पाएंगे यहां गलती हो गई वो तो जब ये कोई तर्क नहीं था कोई बुद्धि नहीं थी कोई भाव नहीं था कोई क्रिया नहीं थी तब जाना था तो वह तो निष्क्रियता में भावातीत अवस्था में विचार शून्य अवस्था में मिलेगा हमारी भूल वहाँ हो जाती है संसार के अनुभवों से हमारी आदत पड़ गई कि कुछ भी पाने के लिए कुछ करना होगा संसार में हर चीज़ व्यापार है आप दुकान पर जाते हैं आप कुछ रुपए देते हैं उसके बदले में दुकानदार आपको सामान देता है तो खरीद फरोख्त के हम आती हैं हर चीज़ में एक लेन देन है हमारे सारे संबंधों में भी लेन देन है हम परमात्मा के साथ भी वही संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं एक त्यागी सोचता है कि ईश्वर को पाना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा अपने घर परिवार उसने छोड़ दिया शहर छोड़ दिया जंगल में जाकर रहने लगा सुविधाएं उसने छोड़ दी कष्टों में जी रहा है वो सोच रहा है कि मैं कोई कीमत चुका रहा हूँ एक आदमी तपस्या कर रहा है आमंत्रित दुखों में जी रहा है वो सोच रहा है कि मैं कीमत चुका रहा हूं ईश्वर को पाने की जैसे ईश्वर कोई दुकान पर रखी हुई वस्तु है कि तुम मूल्य चुकाओ और पालो कोई सोच रहा है मैं अपनी इस तर्क संगत बुद्धि को चिंतन मनन को त्यागता हूं अंधविश्वासों में जीऊंगा धार्मिक हो जाऊंगा परमात्मा मिल जाएगा वो मूर्खतापूर्ण कामों में उलझ रहा है ये खुद भी एक मूर्खता ही है नहीं तर्क संगत बुद्धि को नहीं छोड़ना था कोई व्यक्ति कर्म का त्याग कर देता है भगवान कृष्ण ने बहुत विरोध किया है गीता में कर्म त्याग का वे कहते हैं फलाशक्ति का त्याग करो कर्म का नहीं फलाशक्ति रहित कर्म करो बड़ी मजेदार बात है लेकिन कोई ने कृष्ण की बात नहीं सुनी लोग कहते हमने तो कर्म त्याग दिया अब हम खेती बाड़ी नहीं करते दुकान भी नहीं चलाते नौकरी भी नहीं करते भिक्षाटन करके जी लेते हैं कर्म त्याग का सवाल नहीं था बुद्धि त्याग का भी सवाल नहीं था परिवार त्याग का भी सवाल नहीं था और धन संपदा त्याग का भी सवाल नहीं था ये कोई सवाल ही नहीं थे ये तो अपनी जगह जैसे हैं ठीक हैं उपयोगी हैं जो चीज़ असली त्यागनी थी वो थी भीतर कोई क्रिया ना रह जाए कोई विचार ना रह जाए कोई भाव ना रह जाए तब हम पाएंगे हमारी बींग उभर के आ गई संत कबीर का एक वचन स्मरण दिला दूं मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में और खोजी हो तो तुरंत ही मिलो आप पूछ रहे हैं ना एंड नाउ तुरंत इन दिस वेरी मोमेंट खोजी हो तो तुरंत ही मिल हो पल भर की तलाश में कहे कबीर सुनो भाई साधो दो सांसों की सांस में प्राणों के प्राण में सांसों की सांस में यानी निकट से भी निकट हज़रत मोहम्मद ने उपमा दी है कि तुम्हारे गले की नस भी उतनी निकट नहीं है जिसको दबाने से प्राण चले जाएंगे उससे भी ज़्यादा निकट अल्लाह है खुदा है अर्थात तुम्हारा स्वयं का होना ये शरीर भी दूर है सांस भी दूर है प्राण भी दूर है उससे भी ज़्यादा क्लोज तुम्हारा होना ही वह परम सत्य है इसलिए उसकी खोजबीन नहीं हो सकती सब खोजबीन छोड़ दो तो अचानक उसका पता लग जाएगा बहुत सरल तरीके से आपने ये तो बता दिया कि रुको और जानो सत्य भी वही है परमात्मा भी वही है इसी पल में है पास से पास है लेकिन ये जो मन है हमारा जो इतने जन्मों से ही कहूँगा इस जन्म तो चलो है जो सामने है जो इतना भटकाता है हमेशा पास्ट में हमेशा फ्यूचर में क्या ये इतना सरल है रुक जाना और जानना अगर बात समझ में आ जाए जैसे आपने कहा मन भटकाता है अगर ये सुनी सुनाई बात ना हो हमने महसूस कर लिया है कि भाई ये मन का फंक्शन है उसका काम है जिस घड़ी का काम है पेंडुलम चलता रहेगा तो घड़ी चलती रहेगी ठीक ऐसे ही मन का काम है पास्ट एंड फ्यूचर में भूत और भविष्य में डोलेगा ये उसका फंक्शन है सोचना विचारना उसका काम है आपके घर में टेलीविजन रखा है रिमोट कंट्रोल है आपके पास रिमोट कंट्रोल का काम है उसको ऑन ऑफ करना आप अपनी मन चाहिए स्टेशन लगा लो सीरियल देख लो जो आपको देखना हो उसको चला सको लेकिन ऑफ करना भी उसमें है बंद करने का भी है हम इतने आदि हो गए हैं कि हमारा जो मन रूपी टेलीविज़न है वो आन ही रहा आता है और इसकी वजह ये है कि इसके बदले में हमें बहुत कुछ मिला है हमने जो डिग्री हासिल की है ज्ञान हासिल किया है हम जो प्रोफेशन कर रहे हैं वो इस मन की वजह से ही हो पा रहा है कोई व्यवसाय में आप सफल हो गए हैं ये इस मन की ही देन है विज्ञान ने इतनी उन्नति की है ये मन की देन है तो दुनिया में जहाँ जहाँ हम देखते हैं सफलता है वह सब मन की देन है अब इसलिए मन इतना हावी हो गया हमने उसको हो जाने दिया क्योंकि उसकी वजह से संसार की सा, सारी सफलताएं हैं एक व्यक्ति जिसका मन नहीं चलता समझो कोई मंद बुद्धि है मेंटली रिटार्डेड वो भाषा भी नहीं सीख पाया वो ठीक से बोल भी नहीं पाता कुछ समझ भी नहीं पाता निश्चित रूप से वह संसार में सफल नहीं होगा एक आदमी गूंगा है बहरा है ना उसने कभी कोई शब्द सुना न वो बोल सकता संसार के साथ इसका कोई संबंध नहीं जुड़ पाएगा आपने आज तक नहीं सुना होगा कि कोई गूंगा व्यक्ति कहीं नेतृत्व करता हो लीडरशिप करता हो वो समाज का हिस्सा ही नहीं बन पाया वो तो बिल्कुल आइसोलेटेड अपने आप में एक आइलैंड में बंद है किसी से कोई उसका कनेक्शन नहीं है जो व्यक्ति जितना मुखर होगा अभिव्यक्ति कर सकेगा दूसरों की समझ सकेगा अर्थात जिसका मन जितना प्रभावी होगा वह उतना ज्यादा लोगों से जुड़ पाएगा वो नेतृत्व दे सकेगा लोगों को तो जहां कहीं भी हम देखते हैं सफलता मिली है वह मन की वजह से मिली है और इसलिए हमने मन को हावी हो जाने दिया चाहे वो स्कूल कॉलेज की सफलता हो चाहे वो बुद्धि के द्वारा व्यापार में राजनीति में विज्ञान में साहित्य में किसी अन्य कला में सफलता हो हमेशा मन की ही सफलता है एक बात हमें और ख्याल में लेनी चाहिए मन के अतिरिक्त भी मेरा होना है तो मन सफलता तो दिलाएगा सफलता नहीं दिलाएगा संसार में सक्सेसफुल हो जाएंगे लेकिन इससे कोई शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं होगी तो इसमें मन की कोई गलती भी नहीं मन ने कभी कहा भी नहीं था कि मैं तुम्हें शांति और आनंद दूंगा मन जो कर सकता है वही कर सकता है आपके पास एक साइकिल है कि कार है तो साइकिल ने कब कहा था कि हम तुम्हें शांति और संतोष देंगे सा, साइकिल तो ये कहती है कि तुम्हें अगर कहीं जाना है तो मुझे चलाओ तो मैं तुम्हें, तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी कार का अपना फंक्शन है वो वही प्रॉमिस कर रही है जो वो कर सकती है आपको कहीं पहुँचा सकती है ठीक ऐसे ही हमारे मन का फंक्शन है वो अतीत में जा सकता है अपने पुराने अनुभवों की छानबीन कर सकता है पहले हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उन चीज़ों को सामने ला सकता है वो योजना बना सकता है भविष्य की कल्पना कर सकता है एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग कर सकता है कि क्या करना है कैसे करना है तो ये उसका फंक्शन है तो इस मुस्किल तो कोई भूल चूक नहीं उसने कब कहा था कि मैं वर्तमान के क्षण में तो मैं लाऊंगा तो उसने कभी नहीं कहा वर्तमान के क्षण में तो चेतना होती है मन तो नहीं हो सकता मन का काम है भाग दौड़ करना आवागमन करना यहाँ से वहाँ अतीत और भविष्य का इंतजाम करना ये उसका काम है वो अपना फंक्शन करेगा लेकिन उसके अलावा भी हमारा कोई होना है ये हम भूल गए बहुत छोटे बचपन में भूल गए जैसे ही हम कुछ बोलना शुरू किए थे मम्मी पापा और पानी भूख छोटे छोटे शब्द वहाँ से हमने रिपीट करना शुरू किया छोटे बच्चे को देखो एक शब्द बोलना सीख लें आजकल अमेरिका में बच्चे जो पहला शब्द बोलते हैं पुराने ज़माने में अक्सर मम्मी बोलते थे आजकल अलेक्सा जो दिन भर सुनते रहते हैं वही उनके मुँह से पहले निकलता है तो एक बार सीख गए अलेक्सा फिर वो दिन भर अलेक्से ही अलेक्सा करते रहेंगे उनको मीनिंग भी नहीं पता कुछ नहीं पता बस रिपीटेशन मन शुरू हो गया मन एक रिपीटेटिव मैकेनिज्म है जो भी उसमें डाल दो वो उसको रोटेट करता रहता गोल 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 बार 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 घुमाता रहता है फिर बच्चा और शब्द सीख जाएगा वो रिपीट करने लगेगा यहाँ तक कि जब वो विश्राम कर रहा है तब भी रिपीटेशन भीतर चल रहा है सपने में भी चल रहा है तो मन का काम है एक रोटेशन गोल 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 घुमाता रहे ताकि चीज़ें भीतर गहरी जड़ें जमा लें बच्चा स्कूल में कुछ सीख के आया दस तक की गिनती उसने सीख ली अब वो दिन भर उसको रिपीट करेगा वो हर एक को सुनाने की कोशिश में रहेगा जब खाली बैठा तब भी भीतर वो एक दो तीन चार पाँच उसके चलता रहेगा अभी नई चीज़ उसने सीखी है धीरे 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 ये मन टेक ओवर कर ले रहा है तो इसमें उसकी गलती नहीं है क्योंकि उससे सफलता उसको मिल रही है तो हमने उसको ऊर्जा दी हम ये भूल गए कि इसके बिना भी हम हो सकते हैं कम से कम थोड़ी देर के लिए सही तो मन का उपयोग करें जैसे हम अन्य यंत्रों का करते हैं कार का उपयोग करें जब आपको कहीं जाना है लेकिन हमेशा थोड़े जाना है कभी चैन से बैठ भी तो जाओ कहीं ना जाओ तो वही कह रहे हैं खोजो मत जो है है रुको और देखो आपने गुरु जी एफ की स्टॉप मेडिटेशन का जिक्र किया ओशो ने भी इतनी ध्यान विधियां दी हैं ओशो की कोई खास ध्यान विधि का आप जिक्र करना चाहेंगे जो तुरंत इसी क्षण रोक कर हमें जानने के लिए प्रोत्साहित करती है या एकदम हम अपने आप को जान सकते हैं ओशो की सर्वाधिक प्रमुख विधियों में से एक है डायनेमिक मेडिटेशन उसके तीन चरणों में क्रियाएँ हैं ताकि कर कर के थक जाओ जब बिल्कुल थकने की हालत आ गई एग्जॉस्टेड हो गए तब ओशो कहते हैं स्टॉप और उस क्षण में एकदम फ्रोजन स्टैचू की तरह हो जाओ अब कुछ भी नहीं तो शरीर का रुक जाना आसन है मन का रुक जाना विचारों का थम जाना ध्यान है और इन दोनों की भूमिका में भीतर समाधि की अवस्था फलित होती है वह चैतन्य अब स्वयं को जानता है इसके पहले तक वो किसी क्रियाकलाप में व्यस्त था और चूंकि वो खुद ही एग्जॉस्टेड हो गया वो खुद ही सोच रहा था कि कब रुकें कब रुकें बहुत देर हो गई आधा घंटा लगातार एक्टिविटी और जब वो शो कहते हैं स्टॉप एक डीप रिलैक्सेशन गहन विश्राम का क्षण आ जाता है मन भी थक चुका था कैथारसिस करते करते सारा अतीत उसने विसर्जित कर दिया उलीझ दिया अब कुछ बचा नहीं तो शरीर भी थक गया मन भी थक गया ऊर्जा उर्दगामी हो गई और हम अचानक थम गए और चूंकि अचानक थमे हैं, इज नथिंग एल्स टू नो बट टू नो योर सेल्फ आंखें बंद हैं, कानों में ईयर पेड लगे हुए हैं आंखों पर पट्टी लगी हुई है तो बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा अब सिवाय स्वयं के जानने के अतिरिक्त कुछ और बचा ही नहीं तो स्वयं को ही जानेंगे तो ये स्टाफ को ओशो ने जगह जगह इस्तेमाल किया है अंत के दो तीन साल के जो प्रवचन है वो उस प्रवचन में भी इसको जोड़ा वो चुटकुला सुनाते थे प्रवचन के अंत में दो तीन चुटकुले जब हास्य अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया याद रखना हंसते समय हम विचारहीन हो जाते हैं निर्विचार होने की सबसे अच्छी ट्रिक है हंसो ज़ोर से हंसे मन ठिटक जाता है क्योंकि हंसना अभी इसी क्षण में है चुटकुला जा रहा था एक कहानी चल रही थी गंभीर सी गंभीर सी और अचानक एक सडन टर्न आया जो कि अनएक्सपेक्टेड था जो की जो पंच लाइन है वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड है और चूंकि मन अब इसमें कुछ कर ही नहीं सकता कि वो जो सोच रहा था कि अब ऐसा होगा ऐसा होगा अब ऐसा कुछ भी ना हुआ कुछ और ही हो गया इस सडन स्टॉप में मन थम गया और हंसी आ गई वो भीतर का जो आनंद था वो प्रस्फुटित हो गया क्योंकि मन बंद हो गया भीतर तो आत्मा सदा आनंद में है वो आनंद बाहर फूट गया और तीन चार चुटकुले सुनाने के बाद फिर ओशो इशारा करते थे निवेदनों नाम का एक स्वामी था उसको वो कहते निवेदनों वो जोर से ड्रम बजाता था और वो प्रतीक था कि ही ड्रम बजे आपको अचानक थम जाना है तो एक भूमिका बन गई तीन चार चुटकुलों की जोर जोर सांसने जो की और सडन उस स्थिति में रुके और जहाँ है जैसे है वैसे ही और फिर एक दूसरा ड्रम बस्ता था लेट गो उसमें गिर जाओ क्योंकि बैठे हुई स्थिति में भी ऐसा लगता है भीतर से कि मैं कुछ कर रहा हूँ आई एम सिटिंग तो और भी अच्छा है गिर जाओ लैट गो तो जो जहां है जैसा है एकदम से गिर जाए इसके बाद कोई पोजिशन चेंज नहीं अब ये नहीं कि आपको कंफर्टेबल होना है आड़े तिरछे जैसे गिर गए हैं जहाँ गिर गए हैं एक मिनट के लिए उसी में थम जाना है पत्थर की मूर्ति की तरह तो इस स्थिति में अद्भुत प्रक्रिया है एक तो हंसी गंभीरता समाप्त हो गई वर्तमान के क्षण में आ गए चुटकुला सुनते हुए वो कहानी भी खत्म और हम एक आनंद भाव से सेंसिटिव संवेदनशील जागरूकता की स्थिति में है निर्विचार अपने आप हो गया है और लेट गो छोड़ दो बस छोड़ ही दो इस छोड़ते से गहरा रिलैक्सेशन तो अवेयरनेस और रिलैक्सेशन दो चीजें एक साथ घटित हो गई आंखें बंद हैं ओशो ने बोलना बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं नथिंग इज हैपनिंग इसमें स्वयं को जानने के अतिरिक्त और क्या होगा तो उसो ने बड़ी प्यारी प्यारी अद्भुत तरकीबें खोजी बड़ी मनोरंजक हास्यपूर्ण आनंदपूर्ण प्रफुल्लतादायी पुराने धर्मगुरुओं ने धर्म को बहुत गंभीर और सीरियस बना दिया था और उस सीरियसनेस की वजह से मन बंद नहीं होता मन को तो बड़ा मजा आता है सीरियसनेस में गंभीर होने में उसको अहंकार लगता है कि किसी गंभीर बड़ी समस्या से जूझ रहा हूं अब चुटकुला सुनने में कौन सी समस्या से जूझ रहे <laughs> मन एकदम निश्चिंत हो जाता है तो ओषो ने बहुत ही सरल सरल तरकीबें बनाई हैं उसमें हंसना नाचना गाना इत्यादि शामिल हैं जिनमें मन अपने आप ही थम जा रहा है आप जब आप गीत गा रहे हैं वो विशेषकर एकांत में अपने कमरे में कोई सुनने वाला नहीं अब अहंकार का कोई सवाल नहीं क्योंकि दूसरे की मौजूदगी में वो प्रेस्टिज इशू हो जाता है इज्जत का सवाल आप अपने बाथरूम में नहाते हुए जब गुनगुना रहे हैं तो कोई अहंकार नहीं है क्योंकि कोई ना अप्रिशिएट करने को है ना कोई कंडेम करने को है निंदा स्तुति कुछ नहीं मिलने वाली यू आर जस्ट एन्जॉइंग ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक अच्छे गायक हों है ना हर व्यक्ति बाथरूम में गुनगुनाता है क्यों मन थम जाता है शावर से पानी की ठंडी ठंडी बूंदें पड़ रही हैं आप प्रसन्न भाव में एक गीत गुनगुना रहे हैं अपने आप वो घटना घट गट रही है ओशो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं रुको जानो क्या हो रहा है काश इसकी हमें एक गहरी समझ और आ जाए तो हम इसको और ज्यादा मजा ले पाएंगे हमारे जीवन में भी घटनाएं घट गट रही हैं ऐसी कभी अचानक सूर्यास्त देखते हुए अगस्त सितंबर के महीने में जब रोज शाम को रंग बिरंगे बादल हो जाते हैं पंछी चहचहा रहे हैं और वृक्षों के पीछे सूरज छुप रहा है और आकाश में रंगीन बादल छाए हुए हैं कभी कभी हमारा मन अवाक हो जाता है अवाक का मतलब वो बोलना बंद कर देता है <laughs> कंटिन्यूस चलने वाला टेलीविज़न अब अभी अपने आप बंद होगा क्योंकि इतना खूबसूरत दृश्य है कि हम उसको पूरा जी भर के जी लेना चाहते हैं तो घटना बड़ी प्यारी घट रही है लेकिन बाहर की एक विशेष परिस्थिति की वजह से घट रही है और हम सोच रहे हैं कि इस सौंदर्य के क्षण में हम अभिभूत हो गए लेकिन अगर हम समझदार हैं तो ठीक है उसका मजा ले लें और फिर पाँच सेकंड को आंख बंद भी कर लें और गौर से देखें ये तो कबीर साहब ने जो कहा था कस्तूरी कुंडल बसे ये आनंद की सुवास यह शांति का संगीत तो हमारे भीतर से आ रहा है माना कि बाहर की परिस्थिति ने एक मौका बना दिया उसमें यह प्रकट हो गया जैसे चुटकुला सुनने में बाहर एक परिस्थिति बनी जिसमें मन अवाक हो गया संगीत में डूबने में एक परिस्थिति बनी जिसमें मन अवाक हो गया तो क्यों ना अपने जीवन के सुखदायी क्षणों को हम रुकने और जानने में उपयोग कर लें तो धर्म गंभीरता से भी छूट जाएगा एक छोटा बच्चा भी कर सकता है बल्कि ज़्यादा आसानी से कर सकता है पुरुष भी कर सकता है स्त्री भी कर सकती है बूढ़ा भी कर सकता है जवान भी कर सकता है पढ़ा लिखा भी कर सकता है अनपढ़ भी कर सकता है शायद अनपढ़ और जल्दी कर ले उसके भीतर विचारों का उत्ता जाल नहीं है तो ऐसा धर्म हस्ता नास्ता गाता हुआ धर्म ओशो चाहते हैं तो ना तो त्याग तपस्या की जरूरत है ना पूजा पाठ के क्रिया कांड करने की जरूरत है ना शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करके चिंतन मनन की जरूरत है उन सब गंभीर चीजों से धर्म को मुक्त होना जरूरी है बात इतनी सरल है कि जो है वो है इट आलरेडी एग्जिस्ट गाट की जगह अगर हम एग्जिस्टेंस वर्ड यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा इट ऑलरेडी एग्जिस्ट है जी समझी समय की सीमा है हम इसी सब्जेक्ट पर फिर बात करेंगे अगले एपिसोड पर जय ओशो जय ओशो